क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्रों की संख्या कम हो रही है, छात्रों का मोहभंग विश्वविद्यालय से हो रहा है? विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए मेला लगाया जिसमें कई हजार विद्यार्थी चयनित हुए। नए जमाने में जो हम छात्र दे रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं युवा पीढ़ी, वो नए जमाने के हिसाब से नहीं है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इस तरफ विशेषकर ध्यान दे रहा कि जो भी पुराने पाठ्यक्रम हैं उनको युगानुकूल बनाया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि अभी सुधार की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों को जो अध्यापन की जो प्रक्रिया है, प्रोफेसर की कमी है, उस दिशा में राज्य सरकार भी चिंतित है और कार्य भी कर रही है, और विश्वविद्यालय के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो भी चिंतित हैं। छात्र संघ चुनाव की सुबुहाट नजर आएगी, आपको क्या लगता है कि इससे एक लीडरशिप उभर कर आएगा या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैंपस में बढ़ जाएगा? तो हम राजनेता भी अच्छा तैयार करें, इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि परस्पर पूरकता का रिश्ता है, अंतर विरोध कदापि नहीं। हस्तक्षेप की बात लगातार होती है कि आपके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं कार्य परिषद के सदस्य। अपने व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति पहले संभवतः होती रही होगी लेकिन आजकल नहीं हो पा रही, इसलिए वो प्रतिकार करते हैं। नमस्कार, ऑन द रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ वेंकटेश कोरी। उच्च शिक्षा में सुधारों की वकालत लंबे समय से की जा रही है लेकिन जमीनी धरातल पर अमल की बात आती तो कई चुनौतियां भी सामने आती है। उच्च शिक्षा में सुधार की कोशिशों में जुटी प्रदेश सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने का फैसला भी शामिल है। कितना नफा नुकसान होगा सेमेस्टर प्रणाली के खत्म कर दिए जाने से, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा से। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद वेंकटेश जी। सर, सेमेस्टर प्रणाली पर अगर सबसे पहले शुरुआत पे बात की जाए तो कितना नफा नुकसान होगा छात्रों के हित में और विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशंस के हित में? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विशेषकर जितने पीजी कोर्सेज हैं इसमें सीबीसीएस सिस्टम लागू किया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके आधार पर परीक्षा कराई गई और पूरे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि उत्कृष्ट शिक्षा और रोजगार, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। जहाँ तक सेमेस्टर सिस्टम की बात है, स्नातक स्तर पर जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्णय लिया गया वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में संसाधन की वैसे ही कमी है और कमी के आधार पर कभी कभी परीक्षा परिणाम काफ़ी लंबित हो जाते थे। तो उस दृष्टि से साल भर पढ़ाई विद्यार्थी करेगा और पढ़ाई करके परिणाम सही समय पर आएगा, ऐसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है कि कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं कि आर्थिक दृष्टि से नुकसान होगा संस्थाओं का, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा अर्थ उपार्जन के लिए नहीं है, यद्यपि आजीविका का हेतु होना शिक्षा का हेतु हो सकता है लेकिन मानव को मानवीयता के गुणों से संपन्न करना ही शिक्षा पद्धति का मर्म है। इसलिए आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, उसके नेतृत्वकर्ताओं को, लीडरशिप को यह चाहिए कि वो इस प्रकार के विकल्प तैयार करें कि उन विकल्पों के माध्यम से विश्वविद्यालय या संस्थाओं में धनों का वर्धन हो और आर्थिक दृष्टि से विश्वविद्यालय संपन्न हो। यह बहुत ही राज्य सरकार के सराहनीय निर्णय है और इस पर सभी विद्यार्थी प्रसन्न हैं, हम लोग भी इस पर खुश हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक से जो मदद मिलती थी, यूजीसी से जो मदद मिलती थी वो बंद हो जाएगा सिस्टम के ख़त्म हो जाने से। ऐसा कहीं कुछ नहीं है और न ऐसा होगा। जहाँ तक परीक्षाओं के बात है, परीक्षाएं सही समय पर होगी, पढ़ाई अच्छी होगी और गुणवत्ता के उत्कृष्ट शिक्षा के आधार पर वो सारे बिंदु जो उच्च शिक्षा के मानक हैं वो पूरे होंगे, तो कहीं भी किसी प्रकार का अनुदान नहीं बंद हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। विद्यालय में छात्रों की संख्या, घटती संख्या एक बड़ी चुनौती पिछले कुछ सालों से रही है। आपके आने के बाद कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, आज की तारीख में क्या ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्रों की संख्या कम हो रही है, छात्रों का मोहभंग विश्वविद्यालय से हो रहा है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष ही विश्वविद्यालय चलो अभियान चलाया जिसमें देखने में आया कि सभी विषयों में कई गुना छात्र संख्या वृद्धि हुई। छात्र संख्या वृद्धि होने के पीछे कारण हमने ये देखा कि विद्यार्थियों के बीच संदेश ये जाना चाहिए कि समय पर परीक्षा हो रही, समय पर परिणाम आ रहा, और परिणाम के साथ उनके हाथ में जब डिग्री आती है तो उस डिग्री का सही प्रयोग उनके स्वरोजगार के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय ने पहली बार हमारे आते ही एक कार्य शुरू किया कि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए मेला लगाया जिसमें कई हजार विद्यार्थी चयनित हुए। यह विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना और इस वर्ष
पिछले वर्ष भी ये देखने में आया कि हमारी जो परीक्षाएं थी वो समय पर हो रही और सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमारे परिणाम आने शुरू हो गए। इसका प्रभाव छात्रों में देखा गया है और CBCS से यह और अनुकरणीय बना। उसका परिणाम यह है कि छात्र संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारे सभी कोर्सों में छात्र की संख्या बढ़ी हुई है। वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज वक्त की ज़रूरत है सर, विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज अभी चलाए जा रहे हैं परंपरागत ट्रेडिशनल कोर्सेज के मुकाबले, क्या हमें आपको लगता है कि नए ज़माने में जो हम छात्र दे रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं युवा पीढ़ी, वो नए ज़माने के हिसाब से नहीं है, नए उनको कोर्सेज की आवश्यकता है नए कोर्सेज की? किसी भी संस्था या व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है कि युग के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। शिक्षा भी यही है, कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जो सतत चलते रहते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन युग के अनुसार पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन टेक्नोलॉजी के युग के होते हुए उसके साथ ही साथ मानवीय जो नैतिक मूल्य हैं उनका सभी पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से समावेश होना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे वो कला हो के विषय हों, चाहे वो साइंस के विषय हों, चाहे अन्य अन्य विज्ञान के विषय हों, सभी विषयों में नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा होनी चाहिए। और यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इस तरफ विशेष कर ध्यान दे रहा कि जो भी पुराने पाठ्यक्रम हैं उनको युगानुकूल बनाया जाए और युगानुकूल बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो विदेशों में भी अच्छा हो रहा है, वैश्विक क्षितिज पर जो भी ज्ञान अच्छे प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं, उस ज्ञान को विश्वविद्यालय में लाया जाए और उसको देशानुकूल बनाते हुए युग के अनुरूप प्रयोग किया जाए। उसमें वोकेशनल पाठ्यक्रम भी है और स्किल डेवलपमेंट भी है। यह स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है और वो अत्यंत सराहनीय रूप में जाना भी जा रहा है। जी PG की बात आती है तो विश्वविद्यालय उनकी पहली पसंद होती है जबलपुर और आसपास के ज़िलों में, लेकिन उसके बाद रोजगार परक या जॉब से रिलेटेड कोई बात आती तो दूसरे कोर्सेज करने इंदौर, भोपाल, बाकी शहर, पुणे हो गए, वहाँ पलायन होता है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी क्या कमज़ोरी है जिन्हें हमें सुधार की आवश्यकता है? आपने जो बात कही बहुत सही है, हमें जो अन्य प्रदेशों में व्यवस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, वह विशेष करके आकर्षण का बिंदु विद्यार्थियों के लिए वो होता है कि उनका प्लेसमेंट कितना अच्छा हो रहा है। वर्तमान समय में यही देखा जा रहा है, वर्तमान समय में प्लेसमेंट को ध्यान रखते हुए विद्यार्थी चयनित कर रहा है संस्थाओं को। जबलपुर में जितनी भी संस्थाएं हैं सबको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि प्लेसमेंट में तो हम नंबर एक पर जाएं ही, क्योंकि यह कार्य विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है और वो कार्य बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। हमारे स्किल डेवलपमेंट के वोकेशनल कोर्सेज और प्लेसमेंट की व्यवस्था उत्तम दृष्टि से हो रही है, जिसकी सराहना भी सर्वत्र हो रही है, लेकिन अन्य संस्थाओं में भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ के लिए प्रोफेसर आने चाहिए, चाहे वो प्रदेश के स्तर के विद्वान हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हो, चाहे इंटरनेशनल स्तर के विद्वान हो। विद्वानों के आने जाने से ज्ञान की जो असीम सीमा है वो विद्यार्थियों को देखने और जानने और पहचानने का अवसर मिलता है, तो विद्यार्थी पलायन जो कर रहे हैं बाहर वो हमारे जबलपुर में ही रुके, क्योंकि ये सवाल की व्यवस्था अपने लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। हाल ही में राज्यपाल जी ने भी दो मंचों से ये बात कही है, क्या आपको नहीं लगता कि अभी सुधार की ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों को जो अध्यापन की जो प्रक्रिया है, प्रोफेसर्स की कमी है, फुल टाइम प्रोफेसर्स की वकालत उन्होंने की है, लेकिन जबलपुर विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय में भी एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी से काम चलाया जा रहा है, आप सहमत हैं कि इससे नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि गुणवत्ता सुधार की बात की जाए और गुणवत्ता लानी है तो स्थायी परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स होना चाहिए। उस दिशा में राज्य सरकार भी चिंतित है और कार्य भी कर रही है और विश्वविद्यालय के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो भी चिंतित हैं। हम लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र स्थायीकरण का कार्य किया जाए, लेकिन जब तक नहीं हम व्यवस्था कर पाते हैं तब तक हम विश्वविद्यालय के पठन पाठन का कार्य उत्कृष्ट ढंग से हो इसके लिए गेस्ट फैकल्टी अतिथि विद्वानों की नियुक्ति कर रहे हैं और वो कार्य मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है। पिछले वर्ष भी हमने सबसे पहले किया था कि पढ़ाई ठीक ढंग से हो और उसका परिणाम भी देखने में आ रहा है कि अच्छे ढंग से अध्यापन कार्य। आपको क्या लग रहा है सरकार इसमें गंभीर नहीं है? सरकार पूर्णतः गंभीर है, सारा प्रयास हो रहा है,
लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लंबित दिखता है, लेकिन उसको गति हम लोग देने में लगे हुए हैं और ये कार्य भविष्य में जल्दी ही होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। बेपटरी एकेडमिक कैलेंडर कभी जबलपुर विश्वविद्यालय की पहचान हुआ करती थी। छात्रों का आंदोलन, हड़ताल पर कर्मचारियों का चले जाना और लंबे समय तक अनिश्चितकालीन ये सब चीज़ें हुआ करती थी। क्या आपकी तारीख में आप कह सकते हैं कि ये आपके आने के बाद ये व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया आपने? जिस दिन से मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, मेरी एक ही प्राथमिकता है कि विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि। विद्यार्थियों के हित के लिए अपने लोगों ने कई कार्य प्रारंभ किए, जैसे जन सुनवाई का कार्यक्रम। जन सुनवाई में कुलपति स्वयं बैठते हैं और सारी समस्याओं को सुनते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कोई कठिनाई हो, किसी छात्र या छात्रा को, तो वो कुलपति के मोबाइल पर सीधे संवाद कर सकता है और उसकी समस्या का 24 घंटे के अंदर निराकरण होकर ही रहेगा। इस दिशा में हमने वर्ष भर कार्य किया, उसका परिणाम मुझे देखने में आ रहा। और अब जहाँ 300 से ऊपर जनसुनवाई में संख्या दिखलाई पड़ती थी, आज वर्तमान समय में 1, 2, 3 समस्याएं आती हैं लंबित, 4 तक, और वो भी तत्काल निराकरण किया जाता है। इससे ये दिखलाई पड़ता है कि छात्रों की यदि समस्याओं को लीडरशिप, नेतृत्व करने वाला समय पर उचित ढंग से उसका निराकरण कर दे, तो निश्चित रूप से कम विद्यार्थी समस्याओं को लेकर के आएंगे और जिस प्रकार की कोई आपस में तनाव का माहौल दिखलाई पड़ता है वो कम ही होगा, और वो कम होता जा रहा है। ऐसा अपने लोग महसूस कर रहे हैं कि इसका परिणाम सुखद और सकारात्मक दिखलाई पड़ रहा है। विश्वविद्यालय पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर्स, कभी रिसर्च के नाम पर, कभी शोध अध्ययन के नाम पर, कोई दूसरी नियुक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालय से अगर छोड़ दें तो नुकसान तो ओवरऑल विश्वविद्यालय का, आने वाली पीढ़ी का, सरकार का, सबका हो रहा ना सर? आपने बहुत सही बात कही है। किसी भी संस्था, चाहे वो नगर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके विकास के 4 आयाम होते हैं और उन्हीं 4 माध्यमों से उसका विकास होता है। एक शिक्षा होती है, एक अनुसंधान है, एक प्रसार है और एक विस्तार। इन 4 पर कार्य करने के लिए फैकल्टी मेंबर्स एक्सपर्ट होने चाहिए, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। इसकी कमी है, इस कमी को समय और काल के अनुसार पूरा किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग है, समाज का भी पूरा सहयोग है और यह कार्य पूरा होगा। क्योंकि आपके कहे अनुसार विद्यार्थियों की संख्या अब बढ़ने जा रही है, बढ़ रही है लगातार, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले अनुभवी प्राध्यापक नहीं है, उनको उनके समकक्ष केस फैकल्टी एडहॉक वाले तो उनके समकक्ष ही है ना विद्यार्थी के। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। कोई भी जो नियुक्ति नई होती है वो नए नए ही लोग आते हैं, उसमें नेट होते हैं, GRF होते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग भी रखते हैं, उसी UGC की योग्यता के अनुसार ही नियुक्ति करते हैं। अतीत व्याख्याताओं में भी उन्हीं को रखा जाता है, अतीत विद्वानों में भी उसी प्रकार की योग्यता के लोग रखे जाते हैं, तो उस प्रकार की गुणवत्ता की कमी तो नहीं महसूस होने दी जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी कारण विश्वविद्यालय जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कर रहा है कि अतीत विद्वान आए और पठन पाठन का कार्य सुचारू ढंग से प्रारंभ। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की अगर बात करें सर, मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूशन को किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि हाल ही में अप्रैल माह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 100 विश्वविद्यालय, 100 कॉलेजों की सूची थी उसमें, लेकिन मध्य प्रदेश का कहीं कोई जिक्र नहीं, सिर्फ 2 कॉलेज मैनेजमेंट के, सिर्फ 2 कॉलेज इंजीनियरिंग के, विश्वविद्यालयों का कहीं कोई जिक्र नहीं। आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, जिस गति से सुधार होना चाहिए उस गति? ये बिल्कुल सच है कि देश में जिस शैक्षिक गुणवत्ता की बात हो रही है और जो मानक स्तर निर्धारित किया गया है, उसमें आने के लिए मध्य प्रदेश में विशेषकर विश्वविद्यालयों को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अपॉइंटमेंट से लेकर के अन्य सभी वो चीज़ें लानी पड़ेगी जो अन्य मानकों पर निर्धारित की गई हैं कि उसको सर्वोच्च पर स्थापित करती हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय इस दिशा में हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा, उत्कृष्ट हमारा विश्वविद्यालय प्रमाणित हो और जो मानक देश में निर्धारित हो रहा है कि उच्च शिक्षा का बिंदु ये रहेगा, उस पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी प्रथम से लेकर के अंडर 10 में आए, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी सकारात्मकता को, इसी उद्देश्य को लेकर अपने लोग अर्नेस कार्य में लगे हुए हैं और इसमें बहुत सराहनीय ये है कि सभी का सहयोग मिल रहा है, समाज और विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, छात्र परस्पर पूरक बन करके उस दिशा में जा रहे हैं। अभी आज ही IQAC की बैठक थी जिसमें ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक एकेडमिक कैलेंडर कब से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से, ये किस प्रकार से नियमित चलेगा। आज ही मंथन होकर ये फाइनल हो गया और यह कार्य
जून में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि साल भर की पूरी तैयारी का पहले से ही जब घोषणा हो जाती है तभी कोई विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रम को पूरा उसके अनुसार पालन करके और वो उच्चतम बिंदु को प्राप्त करने में तभी समर्थ हो सकता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उसी कार्य में लगा हुआ है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्रा से जानेंगे कि निजी विश्वविद्यालयों के पदार्पण से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार का फर्क पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्रों की संख्या कम हो रही है, छात्रों का मोहभंग विश्वविद्यालय से हो रहा है। विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए मेला लगाया जिसमें कई हजार विद्यार्थी चयनित हुए। नए जमाने में जो हम छात्र दे रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं युवा पीढ़ी, वो नए जमाने के हिसाब से नहीं है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इस तरफ विशेष कर ध्यान दे रहा कि जो भी पुराने पाठ्यक्रम हैं उनको युगानुकूल बनाया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि अभी सुधार की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों को जो अध्यापन की जो प्रक्रिया है, प्रोफेसर की कमी है, उस दिशा में राज्य सरकार भी चिंतित है और कार्य भी कर रही है और विश्वविद्यालय के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो भी चिंतित हैं। छात्र संघ चुनाव की सुगबुहाट नजर आएगी, आपको क्या लगता है कि इससे एक लीडरशिप उभर कर आएगा या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैंपस में बढ़ जाएगा? तो हम राजनेता भी अच्छा तैयार करें, इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि परस्पर पूरकता का रिश्ता है, अंतर विरोध कदापि नहीं। हस्तक्षेप की बात लगातार होती है कि आपके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं कार्य परिषद के सदस्य। अपने व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति पहले संभवतः होती रही होगी लेकिन आजकल नहीं हो पा रही, इसलिए वो प्रतिकार करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा मौजूद हैं, उनसे और शुरू करेंगे, कुछ और सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का बड़ी तादाद में पदार्पण हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? वाकई में शिक्षा देने के लिए ही आ रहे हैं कि व्यवसाय करने के लिए आ रहे हैं? ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनका उद्देश्य है कि समाज में जो भी युवा है वो स्वावलंबी बने। क्योंकि अभी एक बैठक थी, उस बैठक में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में हम उन्हीं विश्वविद्यालयों की फाइल आगे बढ़ाते हैं जिनमें ये देखते हैं कि युवाओं को स्वावलंबन और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाएगा, वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। इस उद्देश्य से ही विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। जहाँ तक शासकीय और निजी विश्वविद्यालय दोनों की बात है तो दोनों को परस्पर पूरक बन करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि शासकीय ही दें, दोनों को मिल करके, क्योंकि समाज में विकल्प के रूप में निजी विश्वविद्यालय आए हैं। हम आज उस बात की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय शासकीय अनुदान उतना नहीं प्राप्त हो पा रहा है कि विश्वविद्यालय और भी खुल जाएं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है और निजी विश्वविद्यालय तैयार हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है बस उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और जैसा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम उन्हीं विश्वविद्यालयों को निजी क्षेत्र में अवसर देंगे जिनमें स्वावलंबन का, स्वरोजगार का और सामान्य युवकों को तैयार किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए तो निश्चित है समाज उपयोगी ये विश्वविद्यालय रहेंगे। क्या ये माना जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना सरकारी जो शासन से संबद्ध है उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी और गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार होगा इससे? ये बात सही है क्योंकि जब कोई विकल्प आ जाता है तो जो अपनी गुणवत्ता मेंटेन नहीं रखेगा वो पीछे जाएगा, तो ये प्रतियोगिता तो है ही है और इसमें अच्छा है, शासकीय को अच्छा करना चाहिए। शासकीय विश्वविद्यालयों का ये जिम्मेदारी होती है कि वो शैक्षिक माहौल को उत्कृष्ट कोटि का बनाए और उसके लिए नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा समाज में युवकों और युवतियों को ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करके दे कि वो व्यवहारिक धरातल पर स्वावलंबी भी बने और स्वाभिमानी भी तैयार हों और व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हों। सर, आपने काफ़ी प्रयास किए हैं आपके आने के बाद विश्वविद्यालय की व्यवस्था को पटरी पर लाने, चाहे छात्रों से रिलेटेड मामला हो, चाहे अध्यापकों से रिलेटेड हो या फिर प्रबंधन से रिलेटेड हो, किस प्रकार के प्रयास, आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के प्रयास आपने पहल किए हैं जिससे विश्वविद्यालय के सुधार हो माहौल में, शैक्षणिक माहौल में। जब मैं आया था विश्वविद्यालय में तो प्रारंभ में मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन देखने के बाद ये लगा कि नहीं, यहाँ कार्य करने की बहुत संभावना है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे मैं जुड़ा। और सबसे पहले मैंने देखने का यह प्रयास किया कि विद्यार्थियों की जो समस्या है उसका सम्यक समाधान हो।
छोटी छोटी समस्याओं के लिए विद्यार्थी भटक रहे हैं, उसके लिए हमने ये किया कि अपना जो पर्सनल हमारा मोबाइल नंबर है मैं सबको उपलब्ध कराने लगा, और उसका परिणाम यह है कि कोई बच्चा, कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय हमसे बात कर सकता है। अगर नहीं बात कर पाता है तो मुझे मैसेज कर देता है, मैसेज करने के बाद मैं देखता हूँ संबंधित अधिकारी से बात करके जिससे संबंधित समस्या है उसका निराकरण 24 घंटे में होता है, और उस विद्यार्थी से मैं स्वयं बात कर लेता हूँ। तो ये देखने में आया कि 1-1.5 वर्षों में काफ़ी कम ये है, इसका प्रभाव भी अच्छा सकारात्मक देखने में आया और समस्याएं कम से कम दिखलाई पड़ रही हैं। परिवर्तन की जहां तक बात है तो समाज ही इसका मूल्यांकन करता है कि परिवर्तन कितना हो रहा है। आप इस सब के दृष्टा हैं, क्योंकि हम तो कार्य कर रहे हैं, हम तो अर्निस्ट कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रातःकाल कार्य रहता है कि सभी कक्षाओं में जाना, कक्षाओं में देना, देखना कि पठन पाठन समुचित ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखने में आता है कि शिक्षक अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से लेते हैं और अच्छे ढंग से विद्यार्थियों से, चूँकि मैं स्वयं भी घूमता रहता हूँ तो मैं विद्यार्थियों से स्वयं मिलता हूँ, न गाड़ी और न हमारे पर्सनल PSO को मैं हटा देता हूँ, अकेले निकलता हूँ, तो विद्यार्थियों से सीधे संवाद होता है। जब विद्यार्थियों से सीधे संवाद होता है तो सच्चाई हमें मालूम हो जाती है, और सच्चाई मालूम होती तो उसी तरह से हम अपने जो शासकीय हमारा दायित्व है उसके अनुसार हम फिर कदम उठाते हैं, और उसका परिणाम सकारात्मक दिख रहा है। इंटरेक्शन में किस प्रकार की बातें सामने आई हैं सर, किस प्रकार की समस्याओं का अब तक वो मुख्य सामना करते रहे हैं? मुख्य रूप से परिणाम की समस्या ज़्यादातर दिखलाई पड़ी कि परीक्षाएं लंबित हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परीक्षाओं के लिए ज्ञापन आ रहा है कि हमारी परीक्षाएं कराई जाएं। उस दृष्टि से हमने उसमें प्रयास किया कि सारी परीक्षाएं निश्चित तिथि पर हो, कोई भी परीक्षा टाली न जाए, कोई भी कहीं से भी प्रेशर बनाए उसको मानना नहीं है, छात्र हित का ध्यान रखते हुए परीक्षाओं को संपादित किया जाए। और एक वर्ष में उसका परिणाम सकारात्मक दिखलाई पड़ रहा है। अब हमसे विद्यार्थी भी कभी नहीं कहते कि भाई सर इस परीक्षा को टाला जाए, क्योंकि वो जान गए हैं कि जो निश्चित तिथि हो गई है उसी पर परीक्षा होगी। ज़िले में जितने विश्वविद्यालय से संबंधित जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ संचालित कॉलेजों में भी काफ़ी अनियमितताओं की शिकायतें आती होंगी। अक्सर ये कहा जाता है कि कोड 28 से सहित और भी अन्य जो क्लॉजेज हैं उनका पालन ही नहीं होता, ऐसे कई कॉलेज संचालित हो रहे हैं। ये बात सत्य है। इसमें हमने क्या किया है कि अभी हमने कॉलेज के महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में मैंने घोषणा की कि आप 28 का और 27 का अक्षरशः पालन करें, और उस पालन में कहीं भी कठिनाई किसी प्रकार की हो तो मेरा ये पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप सीधे बात करें और समय सीमा के अंतर्गत अपनी समस्याओं का समाधान करें। ये भी देखने में आया कि विश्वविद्यालय में बाह्य कुछ शक्तियाँ ऐसी रहती हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पर विविध प्रकार की समस्याएं पैदा करती रहीं और अब भी करती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का अपने लोग सामना कर रहे हैं और सामना करते हुए उनको दूर कर रहे हैं। कॉलेज अच्छा प्रयास कर रहे हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा एक ही उनसे मांग है कि आप गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीजिए। सभी कॉलेजों में हमने यह भी कर दिया है कि आप स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का कार्यक्रम पाठ्यक्रम चलाएँ और इससे संबंधित वर्कशॉप करें। धीरे धीरे विश्वविद्यालय की परिधि से निकल करके अन्य महाविद्यालयों में भी कौशल विकास का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने अभी कुछ दिन पूर्व ही इसकी घोषणा की कि सभी महाविद्यालयों में भी कौशल विकास का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। सर, लगभग एक दशक के बाद विश्वविद्यालय और कैंपसेस में छात्र संघ चुनाव की सुगबुहाट नजर आएगी, आपको क्या लगता है कि इससे एक लीडरशिप उभर कर आएगा या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैंपस में बढ़ जाएगा? विश्वविद्यालय ज्ञान के अथाह सागर का एक केंद्र बिंदु है। वहाँ पर युवा को प्रत्येक क्षेत्र का, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो समाज क्षेत्र हो, राष्ट्र जीवन के सभी पक्षों पर उसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यदि चुनाव होता है तो हम तो वैज्ञानिक भी पैदा करते हैं, हम तो वकील भी पैदा करते हैं, वित्तवेत्ता भी तैयार करते हैं, हम समाजसेवी भी तैयार करते हैं, हम धर्माचार्य भी तैयार करते हैं, तो हम राजनेता भी अच्छा तैयार करें। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि परस्पर पूरकता का रिश्ता है, ये अंतर विरोध कदापि नहीं है। क्योंकि राजनीति में हमारे पास चाणक्य का जो उदाहरण है, चाणक्य इस राष्ट्र का एक शिक्षक ही था जिसने खंडित भारत को, देश को अखंड भारत में बदल दिया, और एक छोटे से सामान्य व्यक्ति को, चंद्रगुप्त का नाम का एक सामान्य व्यक्ति घूम रहा था, उसको ले आया और शिक्षा दिया, और शिक्षा दे करके राजनीति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो पूरे देश को एकता, एकात्मकता के सूत्र में बांध दिया। शिक्षक में तो वो गुण होते हैं,
तो सच ये है कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है, उसकी गोद में प्रलय और सृजन दोनों पलते हैं, तो वो जिस दिशा में चाहेगा युवाओं को रचनात्मक दिशा में पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और युवा तो बहुत निखालिस और शुद्ध होता है, उसमें जो फ्लापी, जैसे कंप्यूटर में हम कोई फ्लापी डाल देते हैं वो बोलने लगता है, ऐसे युवा मन होता बड़ा ही निखालिस और शुद्ध, जैसा नेतृत्व करने वाले जैसे गुरुजन लोग उसको तैयार करेंगे उस तरह वो समाज उपयोगी होगा, राष्ट्र उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को लेकर आपकी क्या राय है सर, क्या कहना है कार्यपरिषद की बॉडी पर? अब इस संबंध में आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, किंचित कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी तीनों की त्रिवेणी के लिए अपना लक्ष्य है, क्योंकि अपना एक ही एजेंडा है विश्वविद्यालय अच्छा से अच्छा कैसे बने। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिनाई हो रही हो, जो आप लोग चूँकि यहाँ पहले से हैं तो सबको पता है होगा, लेकिन हमें पूरा कार्यपरिषद के अधिकतम सदस्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है, और जो इस एजेंडे के विरुद्ध रहते हैं और रहेंगे वो स्वयं ही। हस्तक्षेप की बात लगातार होती है कि आपके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं कार्यपरिषद के सदस्य, आप क्या मानते हैं कि अगर ये हस्तक्षेप सकारात्मक होता तो विश्वविद्यालय की स्थिति में और थोड़ा सा? निश्चित रूप से अगर वो सकारात्मक हो तो विश्वविद्यालय की और गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, और जो विश्वविद्यालय का लक्ष्य है उसको हम और द्रुत गति से प्राप्त करने में सक्षम होंगे, यह सच है। हम चाहते हैं कि कार्यपरिषद के जो भी सदस्य हैं बहुत से बहुत अच्छे हैं और बड़े सराहनीय हैं, उनका बड़ा रचनात्मक सहयोग रहता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कतपे लोगों के स्वार्थ होते हैं, कतपे लोग परमार्थ दोनों, क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इस संसार में ही दोनों प्रकार के देवत्व भी हैं और दूसरे गुण वाले भी हैं, तो दोनों को लेकर अपने को चलना है और इसको विश्वविद्यालय को अच्छे से अच्छा बनाना है। आपका अपना आकलन क्या है सर, क्यों उनको आपत्ति है आपके काम से? इस संबंध में बहुत सी चीज़ें आप लोग जानते भी हैं, और नहीं जो आप जो अपना आकलन बताएंगे वो कोई और नहीं बता सकता है। उनके अपने व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति पहले संभवतः होती रही होगी लेकिन आजकल नहीं हो पा रही, इसलिए वो प्रतिकार करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय किसी के हित के लिए नहीं, छात्र हित के लिए। इसमें किसी प्रकार की ईमानदारी बच्चों को ये सिखाना है, जो जैसा हम करेंगे वैसा वो सीखते हैं, क्योंकि हमें तो ये बताया गया और हम यही जानते हैं कि आचरण और चरित्र स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्मानवा, ये देश समाज और राष्ट्र जो नेतृत्व करने वाले हैं वो आचरण से अपने चरित्र से ही शिक्षा देते हैं, उसी दिशा में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो कभी कभी खिन्न रहते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है, ना अपने को करना है। सर जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कौन से काम आप करने जा रहे हैं जिससे छात्रों का हित होगा, जबलपुर शहर का नाम बढ़ेगा, विश्वविद्यालय के अपने इंस्टीट्यूट का बढ़ेगा, यहाँ से जुड़े हुए हर व्यक्ति का बढ़ेगा, और विस्तार से संबंधित भी अगर कोई योजना हो तो आप बताएं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती जी के नाम पर है, और रानी दुर्गावती जी ने उस काल में इस देश और इस धरा पर वो कार्य किया जो विश्व इतिहास में गौरवमय रूप में आज भी याद किया जाता है। सबसे पहला काम तो मैं ये करने वाला हूँ कि रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक पीठ की स्थापना होगी, और भारतीय चिंतन की जो परम्परा है वैश्विक क्षितिज पर, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में विविध आयाम हो, उन सभी क्षेत्रों में भारतीय चिंतन क्या है, भारतीय शोध की परिपाटी क्या है, उस दिशा में हम भारतीय चिंतन की एक पीठ स्थापित करेंगे, जिससे हमारे विद्यार्थियों को और यहाँ के जो स्थानीय संसाधन हैं उनका समुचित ढंग से प्रयोग हो, क्योंकि शोध का मुख्य आधार विश्वविद्यालय ही होता है, वो केंद्र बिंदु होता है, और वही केंद्र बिंदु उनको यदि समसामयिक चुनौतियां और स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको चिन्हित करके विद्यार्थियों को उस दिशा में शोध में लाया जाए तो निश्चित रूप से समाज की, राष्ट्र की और स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा, विश्वविद्यालय उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यही हमारा लक्ष्य है। और साथ ही साथ ये भी लक्ष्य है आगे कि जो स्वावलंबन का पाठ विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है प्लेसमेंट के लिए वो सतत चलता रहे, स्किल डेवलपमेंट का सतत चलता रहेगा। अभी बायो डिज़ाइन पर हमारे प्रोफेसर संधू जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, 10 करोड़ का हमें प्रोजेक्ट मिला है, इसे विविध क्षेत्रों में
विश्वविद्यालय के विविध क्षेत्रों में कार्य हो रहा है उसके लिए हम खुला वातावरण देना चाहते हैं कि एकेडमिक वो एटमॉस्फेयर तैयार हो जो वैश्विक क्षितिज पर इसकी पहचान कभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का जबलपुर के नाम से जब लेते थे लोग तो कहते थे कि वाह जबलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जबलपुर के प्रोफेसर हैं, ये उस रूप में याद किया जाए कि हाँ वो गौरवशाली इतिहास, वो गौरवशाली परंपरा को हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है और अपेक्षित भी है। एक आखिरी सवाल और सर कि पहले एक आपका खुद का तजुर्बा जानना चाहेंगे कि पहले एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में और एक अभी एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कितना फ़र्क है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के में कुलपति पर नियुक्त होने के पूर्व मैं कई विश्वविद्यालयों में कार्य किया। मेरी पूरी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके पहले मैं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव से लेकर सारे पदों पर काम किया। विश्वविद्यालय का कोई पद नहीं है जो बाकी हो। इसी तरह जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, उसको मैंने स्थापित करने में सहयोग किया और 2F12B की मान्यता भी हमने प्राप्त की वहाँ पर। वो देश का विश्व का पहला हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी है, दिव्यांगों के लिए सारी शिक्षा दी जाती है। इसके साथ मैं भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में भोपाल में है वहाँ पर कार्य किया था डायरेक्टर के रूप में। तो सभी पदों पर कार्य करने के कारण मुझे जो अनुभव था वो दीर्घकालिक था प्रशासनिक क्षेत्र का, उसका लाभ मुझे यह मिल रहा है और मुझे कार्य करने में कहीं कठिनाई नहीं महसूस हो रही। हड़ताल और आंदोलन कम हो रहे हैं ये तो धन्यवाद है। ये उनकी जो भी समस्याएं हम समय पर सुन लेते हैं और सब किसी को किसी समय 24 घंटे जब कोई चाहे तो मुझसे मिल सकता है, बात कर सकता है और अपनी समस्या बता करके समाधान में करने के लिए तत्पर हूँ क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है विश्वविद्यालय अच्छा से अच्छा कैसे बने, इसी के लिए अपना अहर्निश तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बस अच्छा से अच्छा विश्वविद्यालय बने यही अपना लक्ष्य है क्योंकि विश्वविद्यालय ही ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। समाज का कोई वर्ग हो अगर शिक्षा न होती तो बाबा भीमराव अंबेडकर को ये देश विश्व नहीं याद करता, शिक्षा ही एक माध्यम है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इसका नाम है, यहाँ से रानी दुर्गावती की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह, सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह छात्राएं तैयार होकर बाहर निकलें, विश्व की क्षितिज पर नाम करें। अशफाक उल्ला, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे देदीप्यमान जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र देव भव जीवन जिए, इस प्रकार की युवा तैयार हों यही अपनी सत्संकल्पना है और इस दिशा में आप सब सभी के सहयोग से हमको अवसर मिल रहा है और सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है तो निश्चित है पूरा होगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम अनुभव हमसे साझा किए और अपने आपके अभी तक के जो कार्यों हैं उनका लेखा जोखा भी हमारे सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वेंकटेश जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमारे साथ बेहद बेबाकी के साथ चर्चा की और तमाम पहलुओं को हमारे सामने साझा किया। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली के खत्म हो जाने से छात्र हित में काफ़ी बदलाव देखने मिलेंगे, इसके अलावा भी शिक्षा में सुधार के लिए आने वाले भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी ब्यौरा हमारे सामने रखा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।